हेलो स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद जो है, जो गेस्टेशन पीरियड चल रहा है, जो प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है, उसमें फर्दर डिफरेंट हार्मोन जो है अपना रोल प्ले करते हैं। गेस्टेशन पीरियड वो पीरियड होता है जो कि कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक का टाइम पीरियड जो होता है उसको गेस्टेशन पीरियड बोल देते हैं। और ये पीरियड एकदम जो है सक्सेसफुल रहे, बेबी का बर्थ जो है वो प्रॉपर हो, तो उसके लिए एक हार्मोनल बैलेंस होना जो है बहुत ज़रूरी होता है। हार्मोन हमें पता है केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं और ये टारगेट टिश्यू या ऑर्गन के फंक्शन को अफेक्ट करते हैं इस तरह से कि प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन रहे थ्रू आउट द गेस्टेशन पीरियड। हार्मोन जो है ब्लड बॉडी में जो मूव करते हैं, चाहे वो ब्लड के थ्रू कर रहे हों और वो किसी रिसेप्टर, जो प्रोटीन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे, चाहे वो ओवरी में हैं, चाहे वो आपके डिफरेंट रीजन हैं जहाँ पर अफेक्शन हो रहा है, जहाँ पर अटैचमेंट हो रही है, ये प्रोटीन जो है जो रिसेप्टर का काम करते हैं जहाँ पर हार्मोन जो है बाइंड करते हैं। ठीक है, ओवरी और प्लेसेंटा दो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनको हम मेन प्रोड्यूसर बोल सकते हैं, जितने भी हार्मोन जो हैं गेस्टेशन के दौरान जो है प्रोड्यूस करते हैं। इनिशियल पीरियड में जो ओवरी है वो अपना रोल प्ले करती है, अपनी हार्मोन रिलीज करती है, फिर जैसे ही प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो जाती है वही हार्मोन का रोल जो है, रिलीजिंग का रोल जो ओवरी प्ले कर रही थी, अब वो प्लेसेंटा जो है वो टेक ओवर कर लेता है। और ये बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल प्रेगनेंसी को क्रिएट करने में और मेंटेन करने में। डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन जो है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है, प्रोजेस्टिरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोलैक्टिन है, रिलैक्सिन है, ऑक्सीटोसिन है, इसके अलावा बहुत सारे अदर हार्मोन्स भी हैं जो अब हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सभी हार्मोन का अपना एक रोल है एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। पहला है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। ये जैसे ही कंसेप्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जो है, जब हमने इम्प्लांटेशन पढ़ा था तो हमने देखा था जैसे इम्प्लांटेशन होता है जो सिनशियल ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो विलाई बना लेते हैं, कोरियोनिक विलाई, और वो जो है वो ये HCG हार्मोन जो है वो रिलीज करते हैं। ये हार्मोन जो है जो कि मैटरनल सर्कुलेशन में चले जाते हैं और मदर को हेल्प करते हैं कि अब जो फीटस यूट्रस में इम्प्लांट हो चुका है उसको जो है वो रिकॉग्नाइज करे और अपनी बॉडी में चेंज लाए जो कि सपोर्ट करे प्रेगनेंसी को। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि जो फीटस ग्रो कर रहा है तो उस समय क्या होता है उसको आउट ऑफ बॉडी का स्ट्रक्चर मानकर जो है बॉडी रिएक्ट कर सकती है। तो हार्मोन जो है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते रहते हैं, उनकी अमाउंट जो है कम ज़्यादा होती चली जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये हार्मोन जो है ये भी कंटिन्यूसली जो है वो प्रोड्यूस होता है लार्ज क्वांटिटी में। आप देखेंगे यहाँ पर ये एकदम जो है इस लेवल तक जो है वो ओवुलेशन के जस्ट बाद, ये कॉन्सेप्शन का पीरियड है, फर्टिलाइजेशन हुई, ओवुलेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई, यहाँ पर इम्प्लांटेशन जब होता है उस समय ये हार्मोन जो है हाई लेवल में जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये यही हार्मोन है जो यूरिन टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट के दौरान, जो यूरिन टेस्ट किया जाता है उसमें इसी हार्मोन को जो है वो डिटेक्ट किया जाता है, उसी से प्रेगनेंसी जो है वो कन्फर्म होती है। ये जो एक सिम्टम रहता है जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो जो वीमेन होती हैं, जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है उसमें यूरिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आने लग जाता है और ये ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि फर्स्ट 3 मंथ के पीरियड में देखने को मिलता है। ये इसी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन का लेवल ज़्यादा होने के कारण होता है, क्योंकि जब ये हार्मोन बढ़ता है तो जो ब्लड का
फ्लो होता है वो पेल्विक एरिया में किडनी के तरफ जो है वो ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण किडनी जो है ना वो ज्यादा जल्दी जल्दी जो है वेस्ट को जो है बाहर निकालना शुरू कर देती है। ये मदर ब्लड से जो है ओवरी को जाते हैं टू रेगुलेट द लेवल ऑफ प्री प्रेगनेंसी हार्मोन जो कि एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टिरोन है, उनको भी जो है वो रेगुलेट करते हैं। क्योंकि प्रोजेस्टिरोन जो है कार्पस ल्यूटियम जब बनता है वो रिलीज करता है, धीरे धीरे ये हार्मोन का लेवल कम होने लग जाता है, लेकिन इम्प्लांटेशन के लिए जो है प्रोजेस्टिरोन हार्मोन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो प्लेसेंटा है ये रोल टेक ओवर कर लेता है और वो इस प्रोजेस्टिरोन के हार्मोन को या एस्ट्रोजन के लेवल को भी मेंटेन करके। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है और ये पूरी प्रेगनेंसी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जो है देखने को मिलता है, और ये इसका लेवल जो है धीरे धीरे जो है वो राइज होता है। चाहे हमने पिछले पिक्चर में देखा, यहाँ पर भी आप देखेंगे ओवुलेशन फर्टिलाइजेशन और ये SCG हार्मोन है, और यहाँ पर देखिए ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन जो है एस्ट्रोजन जो ब्लू लाइन है ये आप देख रहे हैं, प्रोजेस्टिरोन जो है ये आपकी ब्लैकिश लाइन है, इन दोनों का लेवल जो है धीरे धीरे जो है वो राइज करता है। ठीक है, और दोनों हार्मोन जो है अपना रोल जो है प्ले करते हैं। देखिए अर्ली इनिशियली क्या होता है कि जो प्रोजेस्टिरोन है कार्पस ल्यूटियम के द्वारा सिक्रीट करता है वो सफिशेंट होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में। अर्ली स्टेज में जो प्रोजेस्टिरोन के फंक्शन रहते हैं वो वही होता है कि जो मेन फंक्शन है कि वो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखे, एस्टेब्लिशमेंट में हेल्प करता है। उस दौरान जो चेंजेस प्रोजेस्टिरोन जो है वो परफॉर्म करता है जो या फंक्शन परफॉर्म करता है वो यही कि वो जो ब्लड फ्लो है इंक्रीज कर देता है टू द यूट्रस, जिसके कारण जो ग्रोथ है एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल की वो बढ़ जाती है, ग्लैंड्स की स्टिमुलेशन कर देता है एंडोमेट्रियम में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो है वो अर्ली एम्ब्रियो को सस्टेन करने में हेल्प कर सके। एंडोमेट्रियम को ग्रो करता है, उसकी थिकनेस को बढ़ाता है, डेसीडुआ प्रोड्यूस करता है, जैसे हमने पढ़ा था डेसीड्यूअल सेल बन जाते हैं, और ये डेसी इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो के लिए बहुत ही जरूरी होता है, और फिर प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करना, ये सब रोल जो अर्ली प्रोजेस्टिरोन हार्मोन जो है वो करता है। अब यही हार्मोन की रिक्वायरमेंट, जब मैंने बताया कि शुरू में कार्पस ल्यूटियम जो है इस रोल को प्ले कर रहा था, अब ये कार्पस ल्यूटियम जैसे डीजनरेट होने लग जाता है उसके बाद जो है यही जो सिक्रीशन जो प्रोजेस्टिरोन का जो फंक्शन है वो प्लेसेंटा टेक ओवर कर लेता है। अब प्लेसेंटा जो है वो बन चुका है, ग्रो हो चुका है, अब वो हार्मोन प्रोड्यूस करने लग गया है। अब जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से लेते हैं, मदर के ब्लड से लेते हैं और उसको प्रोजेस्टिरोन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ड्यूरिंग 6 to 9 month ऑफ प्रेगनेंसी प्लेसेंटा जो है मेन प्रोड्यूसर हो जाता है प्रोजेस्टिरोन हार्मोन का, ये वही प्रेगनेंसी को एस्टेब्लिश करते हैं, चाहे वो अर्ली प्रोजेस्टिरोन है चाहे लेट प्रोजेस्टिरोन है। लेकिन अब यहाँ पर फंक्शन जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है क्योंकि अब ये मिड और लेट प्रेगनेंसी का टाइम है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि फीटल की जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो, सही ढंग से हो, कि उनके जो ऑर्गन फॉर्मेशन होना है जो टिश्यू फॉर्मेशन होने है वो सीक्वेंस में हो। ठीक है, मसल, अब क्या है जब यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाती है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, उस समय मसल अगर उसकी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा, अबॉर्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर प्रोजेस्टिरोन उन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने से रोकता है, प्रिवेंटिंग लैक्टेशन। लैक्टेशन में भी यही होता है कि क्या होता है कि 4th month जब प्रेगनेंसी का होता है उसी समय जो है ब्लड की जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टिरोन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है तो वहाँ पर भी जो है मिल्क प्रोडक्शन हो सकती है, लेकिन क्या होता है जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो नहीं होता, जिसके कारण उस दौरान जो है ब्लड का जो
फॉर्मेशन है या रिलीजिंग जो है वो नहीं हो पाती, तो प्रिवेंट करता है लैक्टेशन को जब तक कि प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं होती। मसल्स को, पेल्विक वॉल की मसल्स को स्ट्रेंथन करता है और प्रिपेयर करता है फॉर लेबर बर्थ, चाइल्ड के बर्थ के लिए। तो ये कार्पस ल्यूटियम है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो है प्रोजेस्टिरोन को रिलीज करता है, फिर धीरे धीरे जो है आप देखिए ये प्लेसेंटा जो है वो टेक ओवर कर लेता है इस फंक्शन को, और ये हार्मोन जो है चाहे वो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टिरोन है, HCG है या ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, इनको सभी को जो है वो टेक ओवर कर लेता है। तो प्रोजेस्टिरोन जो है अपना फंक्शन रोल प्ले करता है। उसके एस्ट्रोजन जितना इम्पोर्टेंट प्रोजेस्टिरोन है उतना ही इम्पोर्टेंट एस्ट्रोजन भी होता है। प्रोजेस्टिरोन की प्रोडक्शन जो है वही एस्ट्रोजन के द्वारा सिमुलेटेड होती है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन का लेवल अगर ज़्यादा होगा तो वो प्रोजेस्टिरोन की प्रोडक्शन को भी बढ़ा देगा। इसमें भी वही है, इनिशियली जो है एस्ट्रोजन जो है वो कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस कर रहा था, अब क्या है प्रेगनेंसी डेवलप हो गई तो अब जो है जो फीटल के एड्रिनल ग्लैंड है वो एंड्रोजन प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, और फिर वो एंड्रोजन जो है प्लेसेंटा की तरफ जाते हैं, और वो प्लेसेंटा जो है उनको एस्ट्रोजन के अंदर एस्ट्रियोल या एस्ट्रोडायोल या एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो एस्ट्रोयल्स हैं ये इंक्रीज द धीरे धीरे इनका जो है वो लेवल राइज करता है अंटिल बर्थ तक बढ़ता चला चला जाता है, और इनके अंदर जो इफेक्ट देखने को मिलते हैं वो यही है कि ये मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं जितने भी प्रेगनेंसी हार्मोन की प्रोडक्शन है, चाहे वो प्रोजेस्टिरोन है, चाहे वो HCG है, चाहे वो प्रोलैक्टिन है, लैक्टोजन है, ठीक है, डिफरेंट हार्मोन जो अभी हम पढ़ रहे हैं उन सबको जो है एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। ये जो करेक्ट डेवलपमेंट है फीटल की ऑर्गन की, चाहे वो लंग्स हैं, लीवर हैं, किडनी है, उनकी करेक्ट डेवलपमेंट को भी इंश्योर करता है। इसके अलावा ये जो प्लेसेंटा की ग्रोथ है उसके फंक्शंस को करेक्टली परफॉर्म करे वो भी एस्ट्रोजन जो है स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा जो मैटरनल ब्लड ब्रेस्ट टिश्यूज होती हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों मिलकर जो है ब्रेस्ट की डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोलैक्टिन या लैक्टोजन हार्मोन। इसी तरह से प्रिपेयरिंग द मदर फॉर लैक्टेशन मिल्क फीडिंग में भी हेल्प करते हैं लैक्टोजन। लैक्टोजन जो है प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है, प्लेसेंटा डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस करे जिसमें से एक हार्मोन होता है ह्यूमन प्लेसेंटर लैक्टोजन, और दूसरा जो है कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये दो हार्मोन अब यहाँ पर देखेंगे, ये 14 वीक की प्रेगनेंसी है, 14th वीक में जो है बर्थ हो जाएगा, उसके बाद लैक्टेशन जो है वो होती है। इस दौरान जो है HCG की जो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद HCG बढ़ जाता है, धीरे धीरे उसका हार्मोन का लेवल जो है कम हो जाता है। अब क्या होता है प्लेसेंटा की डेवलपमेंट हो गई, प्लेसेंटा जो है बाकी जितने हार्मोन हैं उन सबको जो है वो कंट्रोल करता है। धीरे धीरे आप देखेंगे ऐसे नहीं है एकदम राइज कर, जैसे आप HCG को देख रहे हैं एकदम से वो राइज कर जाता है और फिर डिक्रीज कर जाता है, लेकिन बाकी जितने हार्मोन हैं वो सारे आप देखेंगे धीरे धीरे जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो बढ़ते हैं, ठीक है। और जब प्रेगनेंसी मैच्योर प्रेगनेंसी में जब बर्थ लेबर होना शुरू होता है उस समय ये हार्मोन जो है लेबर होने के मतलब बेबी का बर्थ होने के बाद इनका लेवल जो है वो एकदम डाउन चला जाता है। जैसे प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है, इनका हार्मोन जो है ये आफ्टर बर्थ भी इनका इफेक्ट देखने को मिलता है। बाकी जितने हार्मोन हैं वो सारे चाहे कोर्टिसोल है, एस्ट्रोडायोल है, प्रोजेस्टिरोन है, वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो जो प्लेसेंट्रल लैक्टोजन है उसका ज़्यादा कोई फंक्शन क्लियरली वेरीफाइड नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि वो मेमोरी ग्लैंड को की ग्रोथ को प्रमोट करता है इन प्रिपरेशन ऑफ लैक्टेशन, ठीक है। दूसरा रेगुलेट करता है मदर के मेटाबॉलिज्म को, जिसके क्योंकि जैसे जैसे मैटरनल ब्लड लेवल जो है वो इंक्रीज होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट पड़ते हैं और वो फीटस जो है उनको यूज़ करता है।
कोर्टिसोल जो है, जो कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, वो रेगुलेट करते हैं प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन को, कि जो 39 to 40 वीक की जो प्रेगनेंसी है वो एज इट इज रहे, प्री मेच्योर डिलीवरी या लेट डिलीवरी जो है वो कंट्रोल करते हैं, फीटल की मेच्योरेशन को रेगुलेट करते हैं। जब प्रेगनेंसी शुरू होती है तो ये हार्मोन जो है वो कोर्टिको ट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं वो मदर के इम्यून सिस्टम को सुप्रेस कर देते हैं, जिसके कारण मदर की बॉडी जो है फीटस को जो है एक्सेप्ट कर पाती है, उसको अटैक नहीं करती है, ठीक है। और एक तरह से जो स्ट्रेस लेवल आता है इनिशियल प्रेगनेंसी के दौरान, उसको भी ये कंट्रोल करते हैं। लेट प्रेगनेंसीज के अंदर ये जो है वो इम्प्रूव करते हैं ब्लड फ्लो को बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द फीटस। जो लास्ट वीक होता है प्रेगनेंसी का, जिसमें हार्मोन का लेवल जो है बढ़ जाता है, वो बढ़ना जो है फीटल ऑर्गन की जो मैच्योरेशन है बिफोर लेबर जो बिगिन हो उसमें हेल्प करता है, टाइमिंग ऑफ बर्थ को हेल्प करता है, क्योंकि लेट टर्म कोर्टिसोल सर्ज होता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये कोर्टिसोल जो है प्रेगनेंसी में देखिए बढ़ रहा है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है ये बिल्कुल स्टेबल रहता है, ठीक है। और ये प्रेगनेंसी जो है, ये प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन को, टाइम ऑफ बर्थ को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, ये मदर और बेबी के बॉन्ड को भी स्ट्रेंथन करता है, अफेक्शन जो है वो बढ़ाता है, ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन जो है सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है लेबर पीरियड के दौरान, और इसको लव हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये हार्मोन जो है वो मदर और बेबी के बीच का जो बॉन्डिंग है उसको, फीलिंग ऑफ बॉन्डिंग जो आती है, जो मदरहुडनेस आती है उसको मेंटेन करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। ऑक्सीटोसिन का लेवल जो होता है वो राइज कर जाता है जैसे ही लेबर जो है वो पेन शुरू होते हैं, जिसके कारण, क्योंकि रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस होता है, एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन जो है अदर हार्मोन के साथ मिलकर जो है वो सर्विक्स जो कि बर्थ कैनाल है उसको सॉफ्ट करते हैं, जिसके कारण जो बर्थ जो है वो इजी हो सके, जो उसको सॉफ्टनिंग करते हैं और उनके अंदर सक्सेसिव डायलेशन करते हैं। ऑक्सीटोसिन जो है वो अगर उसका फंक्शन जो है वो एस्ट्रोजन के साथ लिंक्ड है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण जो अदर ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं, कि प्रोस्टाग्लैंडिन को जो है वो बढ़ा देते हैं, जो कि कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूट्रस, कॉन्ट्रेक्शन में जो है वो बढ़ाता है, जिसके कारण जो है, क्योंकि अब सर्विक्स के सॉफ्टनिंग में, इन सब में जो बेबी बर्थ में हेल्प करते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, जो कि पिचुटरी इंटीरियर पिचुटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, इसको लैक्टोट्रोफिन PRL भी बोल देते हैं, ये मेनली लैक्टेशन और ब्रेस्ट टिश्यू डेवलपमेंट में हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन का जो काम है वो ब्रेस्ट को ग्रोथ करता है उसकी, और मिल्क प्रोडक्शन करता है आफ्टर बर्थ। प्रोलैक्टिन का जो लेवल होता है नॉर्मली जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होते हैं और न्यूली मदर्स होती हैं उनके अंदर बहुत हाई होता है, लेकिन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर या मैन के अंदर ये लेवल बहुत ही, आप देख पा रहे हैं ये ब्रेस्ट की जो डेवलपमेंट होती है, ब्रेस्ट टिश्यू जो ग्रोथ करती है वो प्रोलैक्टिन के कारण होता है। जो हाइपोथैलेमस होता है वो ऑक्सीटोसिन बनाता है और पोस्टीरियर पिच्यूटरी में वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। जो एंटीरियर पिच्यूटरी है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो रिलीज करता है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन का मेन जो है वो मेमोरी जो एल्वियोलाई सेल है वहाँ पर मिल्क सिंथेसिस करता है। जैसे ही बेबी फर्स्ट टाइम सक करता है तो वो क्या करते हैं, न्यूरल रिसेप्टर जो है जो निप्पल के होते हैं वो हाइपोथैलेमस को जो है स्टिमुलेट कर देते हैं, वो ऑक्सीटोसिन जो है रिलीज कर देता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसके कारण जो ब्लड का जो रिलीज है वो फ्रीक्वेंट हो जाता है, तो उसमें जो है वो हेल्प करता है।
इसके अलावा रिलैक्सिन और बीटा एंडोरफिन हार्मोन, ये जो लेवल है ये ड्यूरिंग जो लेबर होता है उस समय जो है रिलैक्सिन हार्मोन का लेवल भी जो है वो बढ़ जाता है। ये इनका जो मेन फंक्शन होता है ये जो सर्विक्स है उसकी लेंथनिंग, उसको स्ट्रेचिंग करने में, उसको सॉफ्टनिंग में हेल्प करते हैं। ऐसे ही मदर्स का जो लोअर पेल्विक रीजन होता है जहाँ से बेबी अराइव होता है, बेबी उस रीजन की सॉफ्टनेस और एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं। जैसे ही लेबर कॉन्ट्रेक्शन जो है वो बढ़ती है क्या होता है, पेन होता है, नेचुरल है, और ये पेन रिलीफिंग हार्मोन प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं बीटा एंडोर्फिन। ये हार्मोन जो है जो पेन होता है उसको बियर करने में हेल्प करते हैं। तो एज पेन रिलीफ दे आल्सो इंड्यूस फीलिंग ऑफ इलेशन एंड हैप्पीनेस इन द मदर। बर्थ, जैसे ही बेबी का बर्थ होने लगता है तो मदर बॉडी जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं जिनको फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। इन हार्मोन का जैसे ही एकदम रिलीज होता है जस्ट बिफोर बर्थ तो ये एक मदर को एनर्जी देते हैं, ठीक है, जिसके कारण वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रेक्शन जो है जो कि बेबी की डिलीवरी में चाहिए होती है वो सब जो है हेल्प करते हैं। तो नेचुरल बहुत सारे हार्मोन हैं जो कि मदर और बर्थ के टाइम पर, जो लेबर पीरियड या बर्थ के टाइम पर जरूरत होते हैं, जैसे बीटा एंडोर्फिन जो कि मेन पेन रिलीविंग हार्मोन होता है, नेचुरल ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन है, रिलैक्सिन जो है रिलैक्सिंग हार्मोन है, कैटकोलामीन जो है फाइट और फ्लाई जो एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन जो है वो मदरिंग हार्मोन है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं। अब हार्मोन जो है, अब देखिए बहुत सारे हार्मोन डिफरेंट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसीज में अपना रोल प्ले कर रहे थे। अब बेबी का बर्थ हो चुका है तो बेबी के बर्थ के बाद भी क्या होता है, जो हार्मोन है जैसे ऑक्सीटोसिन है ये जो यूट्रस है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है कंटिन्यूली कि वो ब्लड फ्लो को लिमिट कर देता है, थोड़ा कम कर देता है। ये इसलिए कर देता है क्योंकि बर्थ के बाद जो है बेबी के बर्थ के बाद किसी तरह की हैवी ब्लीडिंग ना हो जाए जब प्लेसेंटा को डिटैच करते हैं। ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन जो है उनका लेवल बढ़ा हुआ होता है जब बेबी का बर्थ हो जाता है। ये बॉन्डिंग मदर और बेबी के बीच की बॉन्डिंग को सपोर्ट करते हैं। उनका स्किन टू स्किन जो कॉन्टैक्ट है, आई कॉन्टैक्ट है मदर और बेबी का, ये फर्दर जो है इन्हांस द बॉन्डिंग, ठीक है। मदर जो है इस दौरान जो है यूफोरिक स्टेज से गुजरती है जब उनको जो उनका हैप्पीनेस का लेवल होता है वो एक्सट्रीम होता है, ठीक है, आफ्टर लेबर, और वो सब इफेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं ड्यू टू ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन और बीटा एंडोर्फिन हार्मोन के कारण। विमेन जो है, अगर मैंने कहा ना शुरू में जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन हाई होता है उस समय भी मिल्क प्रोडक्शन हो सकता है लेकिन वो नहीं होता क्योंकि जैसे ही प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो जाती है, प्लेसेंटा डिलीवर होता है ड्यूरिंग बर्थ, ठीक है, उस समय ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल लो हो जाता है और मदर को जो ब्लड प्रोड्यूस करती है उस समय जब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल कम है उस समय जो ब्लड प्रोड्यूस होता है जिसको फर्स्ट मील बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं, वो हाई डेंसिटी मिल्क होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन मिनरल्स फैट्स सोल्युबल विटामिन होते हैं देन द मेच्योर मिल्क, वो बाद में प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द प्रोलैक्टिन हार्मोन के और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। जैसे ही बेबी सक करता है ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो है वो रिलीज किए जाते हैं और मदर ब्लड से ब्रेस्ट तक जो है वो पहुंचते हैं। तो प्रोलैक्टिन का मेन फंक्शन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन करना है, पहले वो सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन जो ऑक्सीटोसिन है वो डिलीवरी, मिल्क की डिलीवरी टू द निप्पल जो है वो करता है बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द मसल्स ऑफ द ब्रेस्ट। तो ये था डिफरेंट हार्मोन कंट्रोल ड्यूरिंग।
गेस्टेशन पीरियड की जैसे ही फर्टिलाइजेशन से लेकर जो बेबी का बर्थ है उस दौरान जो हार्मोन के लेवल चेंज होते हैं, जो डिफरेंट रोल प्ले करते हैं वो। थैंक यू।